पर किसानों के लिए आजीविका चला पाना हुआ मुश्किल। बारिश की खींच की वजह से किसी सोयाबीन की फसल बर्बादी की ओर जा रही है, जिसकी वजह से अवसाद में जाने लगे हैं किसानों के लिए यह पल गरीबी में गीले आटे की तरह है। महंगे बीज, खाद, उर्वरक, दवाइयां, मजदूरी आदि का खर्चा जोड़ो तो एक बीघा पर 6,000 से 7,000 रुपया खर्च हो जाता है। स्वयं की मेहनत होती है वह अलग, और बारिश की जो स्थिति बनी है उससे खर्चा निकाल पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ग्राम बहादुरपुर, मेलाखेड़ी, मुंजाखेड़ी, अरन्या डैम आदि गाँव के ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि फसल नहीं होती है तो ग्रामीण बाजारी लेन देन, बैंकों के लेन देन आदि भरने में अक्षम हो जाएंगे एवं खुद की जीविका चलाने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिन खेतों में ट्यूबवेल, कुएं आदि हैं वे मोटर चालू कर पानी दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी विद्युत इतनी बार काट दी जाती है कि परेशान हो जाते हैं। किसानों की सरकार से मांग है कि मुआवजा की राशि जितनी हमारी लागत बैठी है उतनी तो राशि हमें मिले। ग्रामीण जनों का कहना है हमारे आसपास ना तो कोई उद्योग है ना कोई अन्य रोजगार साधन, कृषि करके भी हम अपनी जीविका चलाते हैं। सरपंच मायाराम अंजना द्वारा बताया गया कि इस समय स्थिति विकट है, चुनाव पहले ही अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है सोयाबीन की, गांव ग्रामीण जनों द्वारा जो बताया गया है कि सोयाबीन की फसल हमारी नष्ट हो गई, आप युवा हो, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने सभी किसान भाइयों से भी सुना ही है कि हमारी फसल अच्छी तरह से नष्ट हो चुकी है और ऊपर से पानी भी नहीं गिरा अभी तक। तो मैं मामा जी से यही कहना चाहता हूं कि वो अपनी खुशी से अपनी बहनों को 1,000 रुपये दे सकते हैं। तो कोई किसान फांसी ले रहा है, कोई अपनी खुदकुशी कर रहा है, तो कम से कम आप किसानों की इतनी मांग तो सुन सकते हैं कि वो मतलब किसानों की मांगे को पूरी कर सकते हैं उनकी फसल के लिए। उनको मतलब उनका कोई तो सहारा चाहिए किसान को। कि तो कितना मुआवजा चाहिए आपको बीघा के ऊपर? अभी सभी किसान भाइयों का कहना है कि कम करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का सोयाबीन में खर्चा हुआ है, तो करीबन 5,000 के समथिंग तो उन्हें मुआवजा बीघा का देना ही चाहिए। मतलब लागत 7 से 8 हज़ार बैठ 7 से 8 हज़ार की लागत है, तो सभी किसान भाइयों की जो मांग है वो तो पूरी करनी चाहिए। अगर ये मांग इस हिसाब से जो बता रहे हैं आप, अगर इतना मुआवजा नहीं आता है और कृषि के अंदर जो आपने लागत लगाई है वो भी आपकी नहीं निकलती है, तो फिर इस परिस्थिति में आप कैसे अपना गुजारा करेंगे? अभी किसी किसान भाई ने लोन ले रखा है, किसी की किस्त चल रही है, किसी के संबुक की किस्त चल रही है, किसी ने फसल में अपने मतलब खर्चा कर दिया है, तो हर किसान कर्जे में है। तो कम से कम सरकार को इतना तो मतलब करना चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत सहारा उनको मिलना चाहिए। मतलब मुआवजा राशि वगैरह थोड़ी बढ़ा के देनी चाहिए, बढ़ा के देनी चाहिए, क्यों किसान का कोई तो सहारा होना चाहिए। इसके अलावा कोई यहाँ पे रोजगार का अवसर गांव में? कोई रोजगार नहीं है, या छोटा सी बस्ती है, इसमें 15 घर हैं और इस पर यहाँ पर क्या रोजगार है? कि शहर नहीं है, कोई सिटी नहीं है, यहाँ पर कोई कारखाने नहीं चलते हैं, या चलती है तो बस मजदूरी चलती है, फसल में मजदूरी करते हैं लोग, अगर फसल ही नहीं होती है तो मजदूरी कहाँ करेंगे और क्या खाएंगे और क्या करेंगे। तो अभी विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें क्या आप जनप्रतिनिधियों से आशा करते हैं? अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मामा जी को अच्छी तरह से खबर है कि वो 1,000-1,000 रुपये अपने बहनों को बांट रहे हैं वोट के लिए, तो इस किसान की भी थोड़ी बहुत सुन ले तो वो अपना दम भर सकेंगे आगे पार्टी के लिए, वरना मामा जी को अच्छा खासा ठेस पहुँच सकता है अभी। धन्यवाद। मायाराम अंजना, आप जो गाँव है आपका, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हो? जी जी। तो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या आपने शासन को इससे अवगत कराया है? नहीं, शासन से अवगत तो करवाया है, जो बात चली भी रही है, पर नुकसान बहुत हो गया क्योंकि पानी, बारिश कम हुई है, कम होने के खातिर सोयाबीन क्या कि 60 किलो 50 किलो ईगो सब निकलेगी, बाकी इस पर 35-40 किलो बीघा का बीज ही डल गया है, और दवाई हंकई जोतई मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का बीमा किसानों को देना चाहिए। और मामा जी बोल रहे हैं कि देंगे, पर चुनाव से पहले दे दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर लोग आप बोल ही रहे हैं किसान लोग, मैं तो बीजेपी का हूँ, मेरे को तो बीजेपी में वोट देना ही है, किसानों को भी नहीं, सही बात है आपकी, लेकिन जो लागत अपनी लगी है खेती के अंदर, वो लागत भी अगर इस बार नहीं निकल पाए और पानी नहीं गिरता है तो आगामी फसल के लिए फिर किसान कैसे तैयार? कुछ भी नहीं होगा ना, सूखा ही रहेगा, तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, वाटर लेवल बढ़ी नहीं है तो फसल कहाँ से होगा आगामी? तो फिर इससे क्षेत्र के अंदर आर्थिक तंगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, किसानों, किसी ने मान लो बैंक ले रखी है तो कोई बैंक नहीं भर सकता है, किसी ने वो शंभू ले रखा है, किसी ने लोन ले रखा है, सभी, क्योंकि आजकल तो सभी वो चलता है, किसानों के पास रहता है क्या है, खेती के अलावा और क्या है, कोई बिजनेस तो है ही नहीं। तो
आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है, शिवराज सिंह चौहान जी से यही कहना है कि बैंक कैसे बल्टी कर पाएंगे, पैसे भी तो नहीं किसान के पास इतने। तो अभी क्या आपकी मांग है सरकार से? नहीं, मांग है तो सरकार के कि इनके ऊपर फसल के ऊपर मुआवजा दिया, जो भी है इनके निमित में आए वो मतलब इनके लगभग कम से कम 35-40 हज़ार हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए, उसमें किसान की पूर्ति हो, जब नहीं हो इसमें 35-40 हज़ार रुपये हेक्टर के हिसाब से। हाँ, तो विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं अभी और हमारे इधर बताया जाता है कि मुआवजा बहुत ज़्यादा मिलता है, बताया जाता नहीं कहाँ पे, आधे का मुआवजा नहीं मिला, पूछ लो इन किसानों को, अभी तक नहीं मिली राहत राशि भी नहीं मिली इनको, मुआवजा भी नहीं आया, दूसरी लिस्ट आने वाली है अभी, उसमें भी नाम नहीं आएगा। अब 10 तारीख सुन लेगा, 10 तारीख नहीं 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 कुछ नहीं, बिल भी देखो तो बिल बढ़ा के दे रहे, 1-1 हज़ार रुपये दिए तो क्या होगा, 1500-1500 का बिल दे रहे हैं अभी, आ रहे बिल्कुल आ रहे, 1500-1500 का बिल दे रहे, 1000 रुपये लाली बहने को दिए क्या होगा, उसमें और 500 जेब से मिला के भरना पड़ता है इनको, बिल तो कम आ रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल देखो अभी इसके महीने में आए बिल, बहुत सारे बिल आए, हाँ गर्मी के टाइम पे बहुत बिल आए, नहीं इसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाए, कम की जाए, जैसे 200 रुपया ठीक है मिनिमम चार्ज आम आदमी भर सकता है इसमें, 4000 जी पूछ लो इनको सबको। आपका क्या विद्युत विभाग से कितना बिल आया? हमारे उस महीने 4000 आया था और इस महीने 3500 डबल आ गए। तो घर का आया था कि नहीं? घर का ही था, घर का बिल 4000 आया। हाँ, और भी गांव में ऐसे किसी का आया क्या? और का पता नहीं, पर हमारे भी आया ऐसे ही तो सरकार के द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था जो हो रही है। आए ना बिल हमारे, अभी अगले गए महीने हमने 3200 रुपये भरे थे, जिसके बाद कुछ भी दो पंखे और दो गुल्प चलते हैं, जिसके बाद में अगर इतना बिल भरेंगे, कोई मुआवजा वगैरह कुछ रात राशि कुछ भी नहीं आती है हमारे, यार इतना बिल भरेंगे तो हम खाएंगे और क्या कमाएंगे क्या इसमें, जिसके हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि जी आगे से हमारे जो बिल पहले जो 100 रुपये अगले से गए साल में अगर 100 रुपये आते थे, अगर वो हम भर सकते थे, जिसके बाद में अगर 200-250 रुपये हम भर देंगे, और बाकी अगर ये 1000-1200-1500 रुपये अगर ऐसे आएंगे तो हम कैसे भरेंगे, या हमारा घर चलाएंगे या सरकार के बिल भरेंगे। और ये जो अभी फसल की जो स्थिति हुई है, हाँ इसमें कहीं सुनने में आ रहा है कि मोटर के द्वारा पानी दिया जा रहा है सोयाबीन में, तो दिया ना हमने भी दिया है पानी मोटर के द्वारा, पर क्या वो चलेगा, थोड़ा गर्मी इतनी पड़ रही है जो कि जिसके बाद में लाइट भी है, ये 1:30 बजे लाइट आती है जी, कर दिया अभी वर्तमान में 10 घंटा जो लाइट चल रही थी तो अभी 10 घंटा कर दी, उसमें भी बार बार काटते हैं और उसमें भी बार बार 7 घंटे के अंदर कम से कम 7 बार लाइट कट जाती है इसके अंदर। तो किसानों की व्यथा क्या है इस बारे में? बोलो बोलो। अरे मनन बोलता है, अरे तू बोल, किसानों की जो व्यथा है। हाँ, तो ये लाइट भी जैसे जा रही है विद्युत? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री आवास है। हाँ प्रधानमंत्री आवास आयो खाली है एक बस, और कहीं भी नहीं है। और मुआवजा मिला कहीं? कहीं भी नहीं मिला अभी तक, मुआवजा ना हावजा कहीं भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। तो अभी कैसा गुजारा करते हो फिर अपना? डर की मेहनत, सब ये डर की मेहनत करने करा और कहीं करा। तो अभी क्या चाहते हो सरकार से? जो सरकार नहीं दे तो कभी अभी इनमें कम से कम 1 बीघा 10,000 रुपया तो डाल सकता है। हाँ ठीक है, कर देता ही तो सोयाबीन से पीछे थोड़ी बहुत, पर यहाँ पीवा की जगह और 30 घंटा कर दी, ना 30 घंटा में 50 वक्त काट दे तो 3-4 घंटा लाइट मिल रही, अब कहीं कमाओ नहीं कमाओ, सब आड़ी समस्या ने जन की बिल माफ है, उलझा है बिल, वरना बिल वाला को बिल माफ करेगा, जो भरी रहे रेगुलर वहाँ भरी दिया जन ज्यादा जन मिस्टर के पास आ रही ने। तो ना कोई जमीन है तो 1 बीघा जमीन में कहीं पेट भरा है, 1 बीघा जमीन में कहीं पेट भरा है, 1 बीघा जमीन में वही बड़ी नष्ट होगी नेटू, और मजदूरी करता हूँ और कहीं कहीं कमा कहीं कहीं कर सकता हूँ मैं।